एवरीवन मैं हूं जोशीका फ्रॉम लर्न नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट कॉम तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट सिक्स टू थ्री पॉइंट वन जीरो तो इसके लिए आपको क्या करना है अपनी नोटबुक और पेन को लेकर एकदम प्रिपेयर हो जाना है और मेरे साथ साथ अपने न्योमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो चलिए रेडी हो जाइए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट सिक्स दिख रहा है स्क्रीन पर इसमें क्या बोला गया है चलिए देख लेते हैं अनेगलिजिबल स्मॉल करंट Is passed through a wire of length 15 meter and a uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7. मीटर स्क्वायर एंड इस रेजिस्टेंट इज मेजर टू बी फाइव पोम व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपको क्या निकालना है रेजिस्टिविटी निकालना है एंड इसमें क्या बोला है एक निगलिसबल स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है जिसको हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है और कितनी लेंथ दी है फिफ्टीन मीटर एंड एरिया दिया है आपको सिक्सटीन ट्वेंटी माइनस सेवन मीटर स्क्वायर तो पहले हम क्या करेंगे गिवन सेक्शन लिख लेते हैं तो बच्चों हमने क्या किया हमने गिवन सेक्शन लिख लिया हमने लिख दिया कि लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन 15 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेवन मीटर स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज 5 ओम एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विच यू हैव टू फाइंड आउट किसे नोट करते रेजिस्टिविटी को रो से करते हैं ठीक है हमने सब कर दिए है अब क्या करें कैसे निकालेंगे रेजिस्टिविटी तो बच्चों सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है आर इक्वल टू रो एल अपोन पढ़ा है तो हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए वेयर आर इज द रेजिस्टेंस एल इज द द लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज एंड रो इज द रेजिस्टिविटी तो यहां पर हम इसको स्मॉल कर दिया जो हमने अज्यूम किया है है ठीक यहां से आपको रजिस्टिविटी निकाल तो हम क्या करते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं निकाल ले अब जब आपने ये फॉर्मूला कर लिया आर ए अपॉन एल यहां पर आर की वैल्यू आपको पता है ए की वैल्यू पता है एल की वैल्यू पता है आप तो कुछ भी नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज रिमेनिंग कर लेते हैं जैसे कि हमने आर की वैल्यू फाइव रखी एरिया की टू पावर माइनस सेवन और एल की फिफ्टीन फाइव थ्री जिफ्टीन थ्री बचा थ्री टू जिक्स तो कितनी आ गई रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी की टू इंटू टू पावर माइनस सेवन अब पॉइंट आता है इसकी यूनिट तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर कैसे आई वो भी बता देती हूँ तो बच्चों यहाँ पे इसकी इसकी यूनिट होती है ओम इसकी होती है मीटर स्क्वायर और इसकी होती है मीटर ये कैंसिल कितनी आ गई ओम मीटर तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेंपरेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 2 10 टू द पावर -7 ओम मीटर तो मतलब क्वेश्चन हो गया सॉल्व क्या करें बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर में यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर यहाँ पर क्या है वायर है उसका डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेजिस्टेंस हमको गिवन है आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर कोफिशियंट तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम लिख लेंगे गिवन गिवन सेक्शन तो बच्चों हमने हमने क्या कर लिया हमने लिख लिया लिख अ सिल्वर टी वन पर ट्वेंटी T1 पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर आर वन कितना दिया है टू पॉइंट वन ओम हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जो टी टू है उस पर हमें R2 कितनी दी है 2.7 पॉइंट ओम आपको कैलकुलेट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इसके पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया टेम्परेचर कोफिशियंट निकाला था तो वहां पर भी हमने एक फॉर्मूले का यूज किया था तो पहले हम क्या लिखेंगे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कोफिशियन को हम डिनोट किससे करते हैं अल्फा से करते हैं अब आपने यहाँ पे लिख लिया टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड दिस इज अब जब इसको कैलकुलेट करना है तो क्या पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हमने टेम्परेचर कोफिशियंट का यहाँ पर एक फॉर्मूला ले लिया यही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अल्फा इक्वल टू क्या होता है क्या, क्या निकल आएगा टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर तो रख दें जी हाँ रख देते हैं तो बच्चों जब आपने वैल्यूज रखी आर टू की वैल्यू टू पॉइंट सेवन आर वन की वैल्यू टू पॉइंट वन आर वन टू पॉइंट हंड्रेड और ट्वेंटी सेवन माइनस फाइव तो जब आपने वैल्यूज रखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तब तो इसका आपका आंसर निकल कर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स इनवर्स क्यों आया है टेम्परेचर कॉफी टेम्परेचर वाला नीचे था इसलिए ऊपर गया इनवर्स हो गया बात हो गई क्लियर क्योंकि ओम तो ये भी है ओम यहाँ पर भी है तो वो कैंसिल हो गया नीचे क्या बचा डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाके वो इन्वर्स में हो गया तो टेम्परेचर कोफिशियंट की आपकी यूनिट क्या हो गई डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स अब आपका क्या निकल आया टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज अल्फा विच इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन नंबर सेवन भी हो गया सॉल्व so, और आपके दिमाग में हो गया होगा स्टोर क्या करें अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला गया है कि हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉस एन इनिशियल करेंट ऑफ 3.0 एम्पीयर व्हिच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड ऑफ to a study value of 2.8 ampere what is the study temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree centigrade temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power minus 4 degree centigrade inverse so this is the क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कर सबसे पहले पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हुआ काम होता है गिवन पोर्शन को लिखना अगर बात करें इस क्वेश्चन के गिवन की सबसे पहले गिवन में यहां पर आपको दिया गया है सप्लाई वोल्टेज कितना है वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आप लिखेंगे जिसको आप डिनोट करेंगे वी से और आप लिख देंगे 230 थर्टी वोल्ट उसके बाद आपके पास है इनिशियल करेंट तो हम मान लेते हैं इनिशियल करेंट को आई वन आई लिख लिया मैंने किसको इनिशियल करंट को ये हो गया आपका 3.2 पॉइंट टू देन यही करंट कुछ कुछ सेकंड्स के बाद सेटल सेटल हो जाता है और वो बन जाता है 2.8 पॉइंट तो यहां पर मैं लिख दूंगी इसको स्टडी करंट और आप लिख सकते हो फाइनल करंट I2 टू इस पॉइंट एट एम्पीयर उसके बाद आपके पास रूम टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो हम मान लेते हैं उस रूम टेम्परेचर को वन टीवन कितना है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एंड आपके पास क्या गिवन है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन इज वन पॉइंट सेवन इन टेंट पावर माइनस फोर तो अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है टेम्परेचर कोफ्यू किसे डिनोट करते हैं अल्फा को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है तो अल्फ़ा कितना है वन पॉइंट सेवन इंटू टेंट पावर माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ठीक है आपके पास करंट है वोल्टेज है तो आपको जब ये टेम्परेचर कोफ़िशेंट वाली बात आई तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले में आपको R1 R2 लगता है अब R1 वन R2 आर कैसे निकलेगा बिल्कुल कैसे निकलेगा देखो तो वोल्टेज गिवन है आई वन गिवन है तो अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ की जो कहता है वी कोल टू आई आर तो यहाँ से अगर आर निकालना है तो क्या हो जाएगा यस वी कोवल टू आई वन आर वन क्योंकि पोटेंशियल सप्लाई तो सेम है तो हम आर वन उधर से निकाल लेंगे तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोम्स लॉ वी कोवल टू वाई आर फॉर इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज आर वन क्या हो जाएगा आपका वी अपॉन आई वन इज द फॉर्मूला यहां से आप देखेंगे वी गिवन है कितना 230 थर्टी आई वन कितना है 3.2 तो आर वन की वैल्यू आएगी 230 थर्टी अपॉन थ्री तो कितना आएगा बच्चों कैलकुलेट करने से ये आएगा आपका 71.87 वन पॉइंट क्या निकाल लिया आपने आर वन निकाल लिया अब किसकी बात करनी है स्टडी रेजिस्टेंस आर टू और आप कह सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा वी अपॉन आई टू फिर से आपके पास वी गिवन है और आई टू कितना है टू पॉइंट एट एमपीय तो टू थर्टी अपॉन टू पॉइंट एट यहां से आर टू की वैल्यू कितनी आ रही है आर टू आएगा आपका एट्टी टू पॉइंट वन फोर ओ तो ये आपका आर वन एंड आर टू निकल आया है अब जैसे ही आर वन आर टू मिला और आपके पास टेम्परेचर कोफिशियंट है और टी वन भी गिवन है आपको निकालना क्या है यहाँ पर टेम्परेचर वॉट इज द स्टडी टेम्परेचर मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है अब आपके पास T1 है R2 है आर है अल्फा है तो हम किसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशियंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला क्या होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा इक्वल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन टी टू माइनस टी वन तो यही फॉर्मूला होता है किसका टेम्परेचर कोफिशियंट का अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको दिख जाएगा अल्फा है आर टू आपने निकाल लिया है आर वन आपने निकाल लिया है टी टू निकालना है टी वन गिवन है रूम टेम्परेचर तो निकाल लेंगे सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो अल्फा की वैल्यू अगर आप रखते हैं वन पॉइंट सेवन इंटू टें पावर माइनस फोर इक्वल टू वार टू कितना है एट्टी टू पॉइंट वन फोर माइनस सेवनटी वन पॉइंट एट सेवन अपॉन 71.87 T2 आपको निकालना है T1 आपके पास 27 है अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे T2 टू माइनस को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो कितना आएगा तो T2 टू माइनस आपका आएगा कैलकुलेट होकर 840.5 अब जैसे ही ये आ गया तो आप क्या करोगे टी टू निकल आएगा कैसे टी इक्वल टू हो जाएगा एट फोर्टी पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन तो टी टू की वैल्यू कितनी होने वाली है एट फोर्टी पॉइंट प्लस ट्वेंटी सेवन विच इज एट सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव और यूनिट क्या रहेगी डिग्री सेंटीग्रेट तो आपको जो ये टी टू निकालना था इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों एट सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व क्योंकि क्या निकालना था स्टडी करेंट निकाला था जिसको हमने टी टू T2, और टी टू आपने बहुत ही ईजिली निकाल लिया डायरेक्ट फॉर्मूला था किसका टेम्परेचर कोफिशियन का ठीक है तो यहां पर ये क्वेश्चन हो चुका है प्रॉपर सॉल्व और आपने भी कर लिया है अपनी नोटबुक में सॉल्व तो आपने कर लिया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन दिख रहा होगा स्क्रीन पर नाइन में क्या बोला है डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क हर ब्रांच के अलॉन्ग हमको करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट में इस सर्किट में अगर फाइंड आउट करना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये जो सर्किट है इसके अलॉन्ग एक पोटेंशियल दिया गया है एक बैटरी दी गई है उससे करंट निकलेगा उस करंट का नाम जो यहाँ से निकल रहा है उसका हम क्या नाम ले लें हमने ले लिया उसका नाम आई वन अब ये जब I1 इस पॉइंट A पर गया तो वो डिवाइड हो गया डिवाइड हो गया मतलब दो करंट में डिवाइड हुआ हमने एक का नाम दे दिया I2, और दूसरे का नाम दे दिया I3, ठीक फिर ये जो करंट I2 गया B पर पहुंचा तो ये I2 करंट भी डिवाइड हो गया तो हमने इसके अलाग मान लिया I4, किसके अलाग माना है इसको हमने D मान लेते हैं BD के along हमने अगर i4 मान लिया टोटल करंट था i2 कुछ चला गया तो यहाँ पर कौन सा गया होगा i2 i4 यहाँ पर टोटल करंट i2 i4 अब ये पॉइंट c पर आया अब ये i4 करंट d पर आ रहा d पर एक करंट और आ रहा है कौन सा i3 आ रहा है तो मतलब d से कौन सा करंट निकलेगा आई थ्री प्लस आई फोर अब आई थ्री प्लस आई फोर भी यहाँ पहुंचा आई टू माइनस आई फोर पहुंचा तो आई फोर आई फोर तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस में है कौन सा करंट बचा इस पे? C पर सी पर आई टू प्लस आई थ्री अब आई टू प्लस आई थ्री क्या था बच्चों आई वन क्योंकि आई वन दो पार्ट में डिवाइड होके आई टू प्लस आई थ्री बना तो मतलब जब भी हमने जो करंट अज्यूम करा और वो एंडिंग पॉइंट पर आके वही करंट मिल जाए इसका मतलब हमने करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल सही किया है हुई बात क्लियर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करंट अब आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में अपनी कॉपी में आप लिखोगे कि लेट आई वन बी द करंट फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट ठीक आई टू इज़ द करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच ए बी आई थ्री इज द करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच ए डी आई फोर इज द करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच बी डी आई टू माइनस आई फोर इज फ्लोइंग करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच बी सी और सी डी के अलाग या फिर डी सी के अलॉन्ग कितना है आई थ्री प्लस आई फोर आप इतना अपनी लिख लेंगे लेट करके अब क्या करें मैडम कि कैसे हम निकालेंगे तो हमें अगर हर ब्रांचेस के अलॉन्ग करंट निकालने की जरूरत है तो हमें सबसे पहले क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी क्या क्या पता होना चाहिए आई टू पता होना चाहिए आई थ्री पता होना चाहिए आई फोर पता होना चाहिए और आई वन पता होना चाहिए जैसे ही चार वैल्यूज हमको मिल जाएंगी तो हम हर ब्रांच के अलॉन्ग करंट निकाल लेंगे तो हम क्या करें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो में कौन सा लूप पारा लगाएंगे तो हमने एक मान लेते हैं कि हमने एक लूप कंसीडर करेंगे पहले ए बी डी ए इस लूप की करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम कर ली अपने मन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे और इसके अपोजिट में होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे अब जब लूप लो लगा रहे हो तो एक लूप के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा जीरो रहेगा और पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर होता है तो यहाँ पर भी आई आर ऐसे ही आप करके सारे पोटेंशियल निकाल के और टोटल पोटेंशियल क्या रखोगे ज़ीरो रखोगे हमने लूप ले लिया ए बी डी ए पोटेंशियल इज जीरो अब करते हैं इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो जब ये करंट की डायरेक्शन ये है आपका आई टू भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है कितना पोटेंशियल हुआ टेन आई टू प्लस का ऑगनेटिव का प्लस का सेम डायरेक्शन में है ए बी पहले जाएंगे ए बी वाले हम गए ठीक है ए बी रो में गए हैं तो कितना हो गया टेन आई टू फिर कहां जाएंगे बी डी में सेम डायरेक्शन प्लस फाइव आई फोर फिर अगर आप डी ए की तरफ देखोगे तो आई थ्री की डायरेक्शन इसमें है और आपने जो एज्यूम किया है वो इसमें है मतलब नेगेटिव आएगा नेगेटिव का कितना आएगा माइनस का फाइव आई थ्री टोटल पोटेंशियल इज जीरो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको आप डिवाइड कर दो फाइव से डिवाइड right करोगे तो ये आएगा टू आई टू प्लस आई फोर माइनस आई थ्री यहां से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी आई थ्री की दैट इज टू आई टू प्लस आई फोर विच इज इक्वेशन वन ये आई थ्री को इधर ले जो इस तरीके से लिख दो अब क्या करें हमारी एक इक्वेशन आ गई हमने जब ये वाला लूप लिया अब अगर हम ये वाला लूप लेंगे इसमें भी हमने डायरेक्शन अज्यूम कर ली करंट की अब इसके अलॉन्ग निकाल सकते हैं एक इक्वेशन और निकल आएगी तो हम कौन सा लूप लेने जा रहे हैं अब बी सी डी बी पोटेंशियल इज सी लूप के अंदर का से इतना हुआ इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पहले कहाँ जाओगे बी सी बी सी करेंट की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इज सेम कितना आएगा प्लस का फाइव आई टू माइनस आई फोर फिर आप इधर देखो किधर जाओगे आप सी डी सी डी की जो डायरेक्शन है वो है इस डायरेक्शन में और आपने अज्यूम किया है इस डायरेक्शन में मतलब निगेटिव आएगा कितना आएगा टेन ये है करंट कितना आई थ्री प्लस आई फोर अब कहा जाओगे डीबी डीबी में करंट ऐसे है और आपने ऐसे लिया है माइनस का माइनस का फाइव आई फोर और टोटल पोटेंशियल जीरो सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को अब क्या हुआ हमने ये इक्वेशन लिखी हमने इसको सॉल्व कर लिया सॉल्व करोगे और फाइव से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आएगी आई टू माइनस आई फोर माइनस टू आई थ्री माइनस टू आई फोर माइनस आई फोर आई फोर आई फोर आई फोर एक टू है और दोनों वन है कितने फोर आई फोर में आएंगे माइनस 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 में माइनस का टू वाई थ्री तो आई टू की वैल्यू कितनी आ गई टू आई थ्री प्लस फोर आई फोर हो गई दो इक्वेशन हो गई हमारे पास अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई अब इस दो इक्वेशन आ गए अब एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं कैसे अब हम लूप लेंगे ए बी सी और इसको मान लो ई e, ये हो गया आपका एफ ए बी सी एफ ए हम कौन सा लूप ना जा रहे हैं ए बी सी ई एफ ए करंट की डायरेक्शन उसी तरीके से मान लेते हैं ठीक अब जब आप लोगे तो ए बी के अलॉन्ग कितना है सेम रहेगा टेन आई टू फिर कहाँ जाओगे बी सी में सेम है डायरेक्शन कितना आ जाएगा टेन आई टू माइनस आई फोर फिर आप आओगे इस c पर c e यहाँ पर कुछ नहीं बट यहाँ पर एक पोटेंशियल आ जाएगा जब वो एंट्री कहाँ से कर रहा है नेगेटिव साइंस से तो माइनस का टेन फिर यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है कौन सा करंट रहेगा आई वन तो ये हो गया इस लूप के अक्रॉस और ये हो गया जीरो अब इसको अगर सॉल्व करना है अब इसको सॉल्व करने की सोचते हैं कैसे पहले हम क्या करते हैं पहले हम इस टेन को इधर ले जाते हैं तो टेन आई टू प्लस फाइव आई टू माइनस आई फोर प्लस टेन आई वन इक्वल टू टेन अब क्या करें डिवाइड कर देते हैं किस से फाइव से क्योंकि फाइव है तो टू आई टू ये अब इसमें क्या देखोगे आई टू आई टू थ्री आई टू माइनस का आई फोर प्लस टू आई वन इक्वल टू यही आ रहा है ये आपकी हो गई इक्वेशन थ्री अब बच्चों यहां पर अगर आप ये दो इक्वेशन देखोगे ना वन एंड टू तो आई टू थ्री आई थ्री, थ्री थ्री टू आई टू प्लस आई फोर और आई टू की वैल्यू है टू आई थ्री प्लस फोर आई फोर क्या हम इक्वेशन टू को तो क्या हो जाएगी आई थ्री की वैल्यू टू और आई टू की इक्वेशन एक में क्या है टू आई थ्री प्लस फोर आई फोर प्लस आई फोर इसको सॉल्व कर लोगे तो फोर आई थ्री प्लस एट आई फोर प्लस आई फोर ये चला जाएगा फोर आई थ्री इस आई थ्री के पास नेगेटिव का माइनस आई थ्री थ्री आई थ्री और नाइन आई फोर यहां से क्या आ गया माइनस का आई थ्री और थ्री आई फोर क्या मालूम पड़ा माइनस का आई थ्री और इक्वल टू तो कितना आ गया थ्री आई फोर ये हमने मान लिया इक्वेशन फोर अब अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो दूसरी इक्वेशन है ना वो आई टू तो आई थ्री और आई फोर के टर्म्स में है तो क्या हम पहली इक्वेशन को आई टू और आई फोर के टर्म में छोड़ दें कैसे ये जो अभी इक्वेशन निकली आई थ्री माइनस आई थ्री इक्वल टू तो थ्री आई फोर और यू कैन से आई थ्री इक्वल टू माइनस का थ्री आई फोर इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं फर्स्ट में तो क्या मेरी इक्वेशन आई टू और आई फोर के टर्म्स में आ रख तो रख दे रख देते हैं हमने क्या करा हमने इसकी इक्वेशन निकाल निकाली हमने निकाल लिया आई टू इक्वल टू माइनस का टू आई फोर अब हमने आई टू और आई थ्री की वैल्यू किस फॉर्मेट में निकाल ली आई फोर के फॉर्मेट में निकाल ली अब अगर आप इक्वेशन थ्री को अच्छे से देखो तो थ्री में आपको टू दिख रहा है आई तो 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 वन क्या था हमारा ये गया आई वन क्या था आई टू प्लस आई थ्री में डिवाइड हुआ था यहां पे देखो लिखा आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू वाई क्या लिख सकते As we know, I1 आई थ्री अब इस इक्वेशन को हम कहां रखने वाले हैं ये फाइव हो गई ये सिक्स है इस इक्वेशन को हम रख देते हैं थर्ड में तो बच्चों हमने क्या कर लिया हमने इस इक्वेशन थ्री को ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर आई वन की वैल्यू रख दी आई टू प्लस आई थ्री और आई थ्री की वैल्यू फोर के टर्म्स में निकाल चुके हैं तो हमने उन वैल्यूज को पुट कर दिए हैं जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आई फोर की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस टू अपॉन सेवेंटी नाइन पीयर बात हुई क्लियर ये अगर आई फोर निकल आया तो इक्वेशन फोर एंड फाइव से क्या हमारा आई टू निकल आएगा बिल्कुल निकल आएगा कैसे ठीक है अब क्या करने वाले हैं आई फोर की वैल्यू रखने वाले हैं फोर एंड फाइव में तो फोर एंड फाइव में जब आप रखोगे तो आई थ्री क्या है माइनस थ्री आई फोर आई फोर हमने अभी निकाला माइनस थ्री ये क्या है माइनस टू अपॉन सेवनटीन माइनस का सिक्स अपॉन सेवेंटीन एम्पेयर इज आई थ्री माइनस प्लस uh, हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से तो सिक्स अपॉन सेवनटीन एम्पेयर आ गया अब यहाँ से ही आप आई टू की वैल्यू निकाल लोगे आई टू की वैल्यू में क्या है माइनस का टू आई फोर और ये कितना आ जाएगा फोर अपॉन सेवनटीन एम्पेयर तो दोनों आई थ्री और आई टू निकल आया जब आई फोर आया माइनस टू अपॉन सेवनटीन एम्पेयर और आपका आई थ्री आ गया सिक्सटीन अपॉन सेवनटीन एम्पेयर और I2 आ गया आपका 4 अपॉन सेवनटीन एम्पेयर क्या मैं I1 वन निकाल लूंगी कहाँ से इक्वेशन सिक्स से I1 क्या होता है I2 टू प्लस आई थ्री. कितना आ जाएगा 10 अपॉन सेवनटीन एम्पेयर क्या सही बोल रही हूँ बिल्कुल सिक्स अपॉन सेवनटीन प्लस फोर अपॉन सेवनटीन इज वॉट एल 17 एम सेवेंटीन सिक्स प्लस फोर इज टेन टेन अपॉन सेवनटीन तो क्या मैंने हर ब्रांच के अलॉक्स निकाल लिया करंट देखो आई टू निकल आया किसके अलॉन्ग बी ए बी के थ्रू एबी के लॉन्ग आई टू निकाल लिए अब बात किसकी होगी इस बी डी की बी डी क्या और क्या है अब ब्रांच BC। BC में क्या है आई टू माइनस आई फोर तो आई टू माइनस आई फोर भी निकाल सकते हैं आई टू माइनस आई फोर फोर अपॉन सेवनटीन माइनस और माइनस कट जाएगा बच्चों एक्स अपॉन किसके है 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 ये ये BC के 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 अब कौन सा बचा? आपका DC के DC के क्या कितना होगा सिक्स अपॉन्ट सेवनटीन प्लस माइनस का टू अपॉन सेवनटीन इज फोर अपॉन सेवनटीन ठीक है यहां पर कितना हो जाएगा फोर अब वन सेवनटीन एन तो सारी ब्रांचेस के अलोंग करंट निकल गया हमने जो एज्यूम किया था लेट द ब्रांच आइज टू करंट फ्लोइंग इन ए बी तो जितने भी हमने करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास चार वैल्यू आई है ना आई वन आई टू आई थ्री आई फोर इसी के थ्रू हमारे सारी ब्रांचेस के अलोंग करंट निकल आया तो बच्चों जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमको करंट निकालना है हर ब्रांच में तो हमने निकाल तो नहीं आई वन क्या हो गया आउटर सर्किट का आई टू किसके अलॉन्ग है बच्चों देखो फिगर फिगर दिख रहा है किसके अलोंग है A, तो ए बी के अलोंग तो अलोंग ए बी कितना आ गया फोर अपॉइंट सेवेंटीन फिर क्या बोला गया है इसके अलोंग निकालना है हमको डी डी ए डी के थ्रू कितना है आई थ्री आई थ्री की वैल्यू है माइनस टू अपॉन सेवनटीन बीसी के अलोंग कितना करंट फ्लो है आई टू माइनस आई फोर हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया आई टू का रखा आई फोर का रखा सिक्स अपॉइन्ट डी सी के अलोंग आई थ्री प्लस आई फोर सिक्स अपॉन सेवनटीन माइनस टू अपॉन सेवनटीन इक्वल टू फोर अब देखो टोटल करंट हमारा ये है क्योंकि आउटर सर्किट में अगर आप इनको करंट को प्लस करोगे किस किस को आई टू आई थ्री आई फोर आई टू माइनस आई फोर आई थ्री प्लस आई फोर इट विल केम आउट टेन अपॉन सेवेंटीन बात हुई क्लियर तो जितना करंट हमने दी है उतना ही करंट निकल कर आना चाहिए टोटल करंट तो हमने जो आउटर सर्किट में जिस तरीके से हम लेते हैं उन्हीं को तो ले लेंगे तो करंट निकल आएगा क्लियर हो गई बात तो हमने सारे ब्रांचेस के अलोंग आपका करंट निकल आया टोटल करंट भी पता चल चुका है जो कि है हमारा I1 क्योंकि वही तो आउटर सर्किट में वही तो फ्लो हुआ था तो उसी को हमें डिवाइड करते करते डिफरेंट हमने करंट के देखे अब वही जो क्वेश्चन में पूछा हम जब कैलकुलेट कर चुके इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन हो गया सॉल्व और आपने भी स्टेप बाय स्टेप करा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड था और थोड़ा कंसेप्चुअल क्या था लूप लॉ लूप लॉ और जो करंट आप जो लेने वाले हो ब्रांचेस के अलोंग उनकी डायरेक्शन एंड उनका फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन तो सिंपल है सिर्फ इक्वेशंस निकालनी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिर्फ इक्वेशन अच्छे से निकाल लेना है ठीक है बात हुई क्लियर तो आपने भी कर लिया होगा मेरे साथ सॉल्व इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया एकदम लॉक अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टेन दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो कि हमारा क्या होने वाला है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि अ मीटर ब्रिज फिगर थ्री पॉइंट टू सेवन टू पॉइंट सेवन ये रहा द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट थर्टी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए एंड वेन द रेजिस्टेंस एस इज ऑफ ट्वेल्व ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ आर वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द अ वीट स्टोन और अ मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स यही क्वेश्चन है तो पहले तो इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको एक क्या दिया गया है एक मीटर ब्रिज दी गया है ठीक है अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस यहाँ पर एक आर है, एक रेजिस्टेंस है और आपको यही रेजिस्टेंस आर निकालनी है ये आपको एक जॉकी दिया है ये मीटर स्केल दी है ये एक एम एफ है अब आपको यहाँ पर क्या बोला था एक बैलेंस पॉइंट गिवन है फ्रॉम द एंड ये रहा एंड ए इससे आपको एक बैलेंस पॉइंट दिया गया है जिसको हम बोलेंगे एलवन तो हम क्या करेंगे पहले में जो दिया गया उसको हम लिखते हैं L1 दिया है एक एस रेजिस्टेंस हमको गिवन है क्वेश्चन में ही बोला है एस इज गिवन ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो हमको ये आर निकालना है तो पहले क्या लिख ले गिवन सेक्शन लिख लेते हैं अब जो गिवन सेक्शन था उसको हमने क्या लिख लिया गिवन अ मीटर ब्रिज एंड द बैलेंस पॉइंट द बैलेंस एल वन फ्रॉम द एंड ए विच इज गिवन टू अर्स दैट इज थर्टी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑल्सो वी नो द रेजिस्टेंस एस दैट इज दिस वन इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव होम एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस दिस रेजिस्टेंस आर अब अगर इस आर को निकालना है तो हमको क्या पता होता है मीटर ब्रिज में मीटर ब्रिज में हमको ये पता होता है कि कंडीशन जो होती है बैलेंस पॉइंट की उसका एक फॉर्मूला होता है तो आपने जब मीटर ब्रिज पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया था कंडीशन फॉर अ बैलेंस पॉइंट इज गिवन बाय R upon S to 100 L1 upon L1, L1. आप कैल्कुलेट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आई एट पॉइंट टू ओम तो हमने क्या एक पार्ट सोल्व कर लिया जो हमें आई. अब पर एक बोली है कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन मीडअ तो बच्चों थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं उनकी जो रजिस्टेंट इंटरनल रजिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजेबल मान लेते हैं इसलिए हम लेते हैं इतनी भी बात हो गई क्लियर जब हमने ये भी समझ लिया कि कॉपर स्टिप्स इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल दैट्स वाई तो हमारा मतलब ए पार्ट हो गया अब कहाँ बढ़ेंगे बी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चों बी पार्ट दिख रहा होगा इसके अंदर बी पार्ट में क्या बोला है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज अब इसके पहले जब ये पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर आर एंड एस यही था और बैलेंस पॉइंट क्या था एल वन था अब उसने बोला कि जब आर को इधर कर दो एस को इधर कर दो तब बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा अब आर इधर आ गया एस इधर आ गया तो बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा आपका हंड्रेड माइनस एलवन अब जब इसको हमने आर एंड एस को इंटरचेंज किया तो हमारी लेंथ भी इंटरचेंज हो गई बैलेंस पॉइंट हो गया हंड्रेड माइनस एलेवन एलेवन की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है थर्टी नाइन पॉइंट फाइव तो कितना आ गया बच्चों बैलेंस पॉइंट अब अब आपका बैलेंस पॉइंट आ जाएगा सिक्सटी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बात हुई क्लियर अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.0 के सी पार्ट में क्या बोला था बोला गया है कि व्हाट हैपन्स इफ द गेल्वनोमीटर एंड द शेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज वुड द गेल्बोनोमीटर शोन एनी करंट शेल ये रहा गैलवनोमीटर ये रहा अगर इनकी वैल्यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो पोजिशन जो है पॉइंट की चेंज होगी जो ब्रिज की जो पोजिशन है वो चेंज होगी नहीं होगी जब वो पोजीशन चेंज क्यों नहीं होगी देखो ये रहा गैल्वेनोमीटर ये रहा आपका शैल इसको इधर इसको इधर भी कर दिया तो भी वो वहीं रहेगा शैल इसका मतलब क्या हो जाएगा कोई भी पोजीशन ऑफ द ब्रिज डज नॉट चेंज दे फोर नो करेंट विल शोन बाय द गैल्वेनोमीटर ने जो बोला कि इफ द किलवनोमीटर दिस एंड सेल की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं बैलेंस पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट क्या है एलवन है उस पर अगर आप चेंज करते हो तो जो पोजीशन है पॉइंट की वो चेंज नहीं होगी जब वो चेंज नहीं होगी तो कोई भी करेंट गैल्वनोमीटर में शो नहीं होगा बात हो गई क्लियर इसको चेंज करने से भी कुछ नहीं होना है करंट जो है गैल्वेनोमीटर शो नहीं करने वाला है क्योंकि बैलेंस पॉइंट तो वही रहेगा बात हुई क्लियर तो अब इतनी बात हो गई होगी क्लियर कोई डाउट नहीं रहा होगा आई थिंक आपने बी पार्ट और सी पार्ट को भी अच्छे से कर लिया होगा तो बच्चों आई थिंक आपके लिए आज का सेशन रहा होगा यूजफुल हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम क्वेश्चन सिक्स टू तो क्वेश्चन टेन आपको हो गए होंगे एकदम कि तो क्रिस्टल क्लियर और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नो हब डॉट कॉम